अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए क्वेश्चन की, जो कि स्टूडेंट ने पूछा है सर्वेश कुमार पांडे जी ने, और ये सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। M1 का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग? सेल रेफरेंसिंग के बारे में उन्होंने पूछा है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M1 का ये, आर्टिफिशियल बिजनेस सिस्टम का। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, विद एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे सेल रेफरेंसिंग होती क्या है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अभी। चलिए देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में। ओ लेवल M1 IT2 सेल रेफरेंसिंग के बारे में क्या होता है ये आया है शायद 2015 या 16 के पेपर में आया है पेपर ये। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। MS Excel को, इसमें हम सेल रेफरेंसिंग पढ़ेंगे। आल प्रोग्राम पे जाना है आपको, स्टार्ट आल प्रोग्राम MS Office Excel पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। तो वर्कबुक यह एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर 255 वर्कशीट होती हैं, बाय डिफॉल्ट में 3 शीट दिखाई देती हैं। स्प्रेडशीट यह एक्सेल डॉक्यूमेंट के पेज होते हैं, इसको वर्कशीट भी कहा जा सकता है। या ग्रिड ऑफ सेल और ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम होता है। इसके अंतर्गत 536 रोज और 256 कॉलम होते हैं, जहां पर रोज और कॉलम एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, वहां पर एक रेक्टेंगल एरिया बनता है जिसे सेल कहते हैं। तो ये तो थी आपके लिए वर्कबुक क्या होती है एक्सेल। उसके बाद इसके कुछ प्रकार होते हैं वो भी समझ लेते हैं, जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये 3-4 प्रकार होते हैं इसके। अब इसको बारी बारी से देखेंगे। तो सेल एक्सेल डॉक्यूमेंट का सबसे छोटा वह महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और उस पर किसी भी तरह की गणना कर सकते हैं। हर सेल का अपना एक विशिष्ट एड्रेस या रेफरेंस नंबर होता है, जो कॉलम एंड रो को सीक्वेंस में लिखने से प्राप्त होता है। उसके बाद है सेल रेफरेंस। हर सेल रेफरेंस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से सेल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है, देख लें। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, एंड एब्सोल्यूट एंड रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज़ है। रिलेटिव रेफरेंस में हम देखते हैं क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझा देंगे करके कि कैसे ये काम करता है। यह रेफरेंस कॉलम एंड रो को सीक्वेंस में लिखने से प्राप्त होता है। इसमें एक सेल के रेफरेंस में दूसरी सेल का रेफरेंस पहली सेल के अनुसार बदल जाता है। इसका प्रयोग करने से गणना करने में आसानी एवं जल्दी होती है। यह सेल रेफरेंस इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लें A2, B2 एंड C3 इत्यादि। उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। इसमें रेफरेंस को डॉलर के साथ में लिखा जाता है या लिया जाता है। इसमें एक सेल का रेफरेंस दूसरे सेल के रेफरेंस में बदला नहीं जाता, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉलर लगा हुआ है ए, फिर डॉलर लगा 2, फिर कॉमा $B, $2। तो इस प्रकार से इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस में लिखा जाता है, इत्यादि एग्जाम्पल आप लोग समझ लें। उसके बाद तीसरा आता है इसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो ये कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इसमें कॉलम को रिलेटिव और रो को एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, जिसमें कि कॉलम दूसरी सेल के रेफरेंस में बदल जाता है परंतु रो नहीं बदलती है, जैसे कि A$2 एंड C$3 एक्सेट्रा। तो इसमें आपका रो नहीं बदल रही है, आपका इसमें रेफरेंस बदल जाता है। तो उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। तो इसमें कॉलम को एब्सोल्यूट एंड रो को रिलेटिव लिखा जाता है, जिसमें कि
कॉमन कॉलम जो होता है वो फिक्स हो जाता है और रो बदलती नहीं है, जैसे कि एग्जांपल डॉलर ए टू कॉमा डॉलर बी टू और डॉलर सी टू इत्यादि। तो ये इसके प्रकार थे। अब उसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं आंसर। अब इसका एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, समझ ले थोड़ा सेल डिफरेंसिंग क्या है। ए सेल डिफरेंस आइडेंटिफाइज ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्क शीट। सेम वही चीज है जो हिंदी में बताई गई है। ऑन ए वर्कशीट एंड टेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यू और डेटा यू वॉन्ट टू यूज इन ए फॉर्मूला विद रेफरेंस। यू कैन यूज डेटा कंटेन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए वर्कशीट इन ए वन फॉर्मूला और यूज द वैल्यू फ्रॉम वन सेल इन सेवरल फॉर्मूलाज। यू कैन ऑल्सो रिफर टू सेल ऑन अदर शीट इन द सेम वर्कबुक एंड टू अदर वर्कबुक। रेफरेंस टू सेल इन अदर वर्कबुक आर कॉल्ड लिंक्स। तो ये था सेल रेफरेंसिंग, उसके तीन प्रकार बता चुके हैं आपको। रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है और मिक्स रेफरेंस, ये आपका इंग्लिश में रहेगा। तो इसमें थोड़ा लिख लें, रिलेटिव रेफरेंस में ए रिलेटिव सेल रेफरेंस ए इन ए फॉर्मूला सच एज ए वन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला एंड द सेल इज द रेफरेंस रिफर टू। इफ द पोजिशन ऑफ द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला चेंजेस द रेफरेंस इज चेंज। इफ यू कॉपी द फॉर्मूला अक्रॉस रो और डाउन कॉलम द रेफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट बाई डिफॉल्ट। न्यू फॉर्मूला यूज रिलेटिव रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कॉपी ए रिलेटिव रेफरेंस इन सेल बी टू टू सेल बी थ्री इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रॉम इक्वल टू ए वन टू ए टू। तो ये था आपका रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट को देख लेते हैं। एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला सच एज डॉलर ए डॉलर वन, बता चुके हैं आपको हिंदी में भी। ऑलवेज रिफर टू ए सेल इन ए स्पेसिफिक लोकेशन इफ द पोजिशन ऑफ द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला चेंजेस द एब्सोल्यूट रेफरेंस रिमेन द सेम। इफ यू कॉपी द फॉर्मूला अक्रॉस रो और डाउन कॉलम द एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट एडजस्ट। बाय डिफॉल्ट न्यू फॉर्मूला यूज रिलेटिव रेफरेंस एंड यू नीड टू स्विच देम टू एब्सोल्यूट रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ यू कॉपी एब्सोल्यूट रेफरेंस इन सेल बी टू एंड सेल बी थ्री इट्स स्टे द सेम इन बोथ सेल इक्वल टू डॉलर ए डॉलर वन। तो ये था रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब देखते हैं मिक्स जो ये कॉम्बिनेशन है, जैसे कि रिलेटिव टू एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट टू रिलेटिव। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल एज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग द डॉलर साइन इज यूज्ड इन मिक्स सेल रेफरेंस टू इंक्लूड दैट ए कॉलम लेटर और रो नंबर इज टू रिमेन फिक्स्ड व्हेन ए कॉपी फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड सेल रेफरेंस वुड बी डॉलर ई फोर और एफ डॉलर सिक्स। फॉर डॉलर ई फोर द कॉलम लेटर इज फिक्स्ड व्हाइल द रो नंबर इज अलाउड टू चेंज व्हेन कॉपी टू अदर सेल। फॉर एफ डॉलर सिक्स द रो नंबर इज फिक्स्ड व्हाइल द कॉलम लेटर चेंजेस। तो ये था इंग्लिश में, काफ़ी लेंदी पड़ता है प्रोसेस, हिंदी में आपको मैं तो बताया था काफ़ी सिंपल था। तो ये था सेल रेफरेंसिंग, इसी में आपको एग्जांपल अभी दिखा देते हैं कि कैसे आप इसको एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सेल रेफरेंस देखेंगे कि सेल रेफरेंस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और जब हम फंक्शन या किसी फार्मूले का यूज़ करते तो उसका क्या बेनिफिट्स होता है। तो आइए देखते हैं। एक्सेल में सेल रेफरेंस तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स सेल रेफरेंस। इन तीनों सेल रेफरेंस का यूज़ किस तरह से किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस देखने के लिए हमने कुछ वैल्यू को पहले से यहाँ पर टाइप किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर
एक फार्मूला बना रहे हैं, सबसे पहले किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए हम इक्वल का यूज़ करते हैं। इक्वल का यूज़ करने के बाद हमें यह देखना होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो किस सेल के अंदर रखी हुई होती है, मतलब हमें उस सेल का एड्रेस चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी 200 वैल्यू है वो बी कॉलम और 18 रो के अंदर है, इसलिए इसका सेल रेफरेंस बनेगा B18। उसके बाद हम इसमें एडिशन के लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं, और सेकंड वैल्यू जो है हमारी बी कॉलम और 19 के अंदर रखी गई है, तो B19। एंड आफ्टर हम देंगे इंटर, आप देखेंगे क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्ट शो हुआ, मतलब 200 और 300 दोनों मिलकर 500 की वैल्यू शो कर रहे हैं। अब सेल रेफरेंस का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे? सेल रेफरेंस का यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई वैल्यू की कुछ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हम फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं, उसके बाद जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेल रेफरेंस के नाम से देखा जाएगा कि वो क्या, उनमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कॉपी पेस्ट के दौरान। तो आइए हम इसकी कॉपी करते हैं सबसे पहले, जो हमारी 500 जो वैल्यू निकल का ये आंसर, अब देखेंगे कि मैंने उसके ठीक पास में कुछ और वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू रखी हुई है, आप अदर भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। F2 प्रेस करने से क्या हुआ, जो 200 और 300 जो हमने टाइप किया है उनकी सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले में आ चुके हैं, ठीक है। हम कहीं और भी अगर इसकी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर हमें मिल रहा है, और हम F2 दबा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि उसके सेल रेफरेंस हमें मिल रहे हैं। एक्चुअल में रिलेटिव सेल रेफरेंस है, कॉपी पेस्ट के दौरान ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब आप जहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, जैसे आपने जब से सबसे फर्स्ट आपने जब फार्मूला बनाया था उसमें फार्मूला ये देख रहा है कि एक फर्स्ट वैल्यू ठीक उससे ऊपर थी और एक उससे भी ऊपर थी, इसी तरह जब भी आप कहीं पर भी पेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस एक्सेल खुद सेट कर रहा है और आपका आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो रो एंड कॉलम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जब भी आप कहीं और पेस्ट करेंगे तो वो सेल रेफरेंस बदल जाते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले एक और रेफरेंस देखना होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मीनिंग यहाँ पर फिक्स सेल रेफरेंस होता है जिसमें सेल रेफरेंस बदलते नहीं हैं। अब देखते हैं वो कैसे, फॉर एग्जांपल फिर से करके देखते हैं, B32 जो हमारी सेल रेफरेंस है, सेकंड है हमारा B33, ठीक है। इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर डॉलर के साइन का यूज़ करेंगे। बी से पहले अगर हमने डॉलर का साइन यूज़ किया है, B, A, B, C, D ये सभी कॉलम के नेम हैं, इसलिए इसके पहले अगर आपने डॉलर का साइन यूज़ किया है तो वो फिक्स हो जाता है, फिर कॉपी पेस्ट के दौरान कभी भी बी आपका सी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने 32 जो रो नंबर है उसके आगे भी डॉलर का साइन यूज़ किया है, इससे ये जो 32 जो हमारी रो है वो भी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमने फिर से दूसरे रेफरेंस में भी कॉलम नेम से पहले डॉलर का साइन यूज़ किया है और रो से पहले भी डॉलर के साइन का यूज़ किया है। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं क्या होता है, हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं, आप देख रहे हैं इसका आंसर 500 ही आपको मिल रहा है, हम कहीं पर भी पेस्ट करें, ठीक है। और जहां पर भी आपने पेस्ट किया है वहां पर F2 प्रेस करके देखेंगे तो आपको जो सेल रेफरेंस है वहीं के मिल रहे हैं जो आपने फर्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ किया है, मतलब आपने वही बी और 32 और बी और 33 ये चेंज नहीं हुए। इसका रीज़न क्योंकि आपने डॉलर का साइन यूज़ कर रखा है, डॉलर का साइन अगर किसी भी
कॉलम नेम से पहले और रो नेम से पहले अगर यूज किए जाते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जो हमारा तीसरा सेल रेफरेंस है जिसको हम बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। इसको देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या होगा। अब इस रेफरेंस को बनाने के लिए क्या होता है कि किसी, मान लीजिए हमारी जो इस बार जो 200 वैल्यू है बी 43 सेल में है, उसके बाद में जो हमारी अगली वैल्यू है बी 44 सेल में है। अब इस सेल को मिक्स सेल रेफरेंस बनाने का तरीका क्या होता है कि किसी भी रो या कॉलम किसी भी एक के आगे डॉलर का साइन होता है और एक के आगे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बी के आगे हम डॉलर का साइन लगा लेते हैं तो बी कॉलम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, और सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, रो जो नंबर है हमारा सेकंड सेल रेफरेंस है बी 44, इसमें रो से पहले डॉलर का साइन यूज़ करते हैं और इंटर करते हैं। आप फिर से गौर से देखिए, इस रेफरेंस में बी से पहले लगा हुआ है डॉलर का साइन और सेकंड रेफरेंस में 44 से पहले, ये 44 एक्चुअल में रो नंबर है। उसके बाद हम इंटर देते हैं, हमारा इंसर्ट तो वही आ रहा है पर इसका इफेक्ट कॉपी पेस्ट से ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देखिए आंसर तो 500 ही आया, और F2 प्रेस करते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आपने पेस्ट किया था उसने देखा कि एक वैल्यू ठीक उसके ऊपर की काउंट की उसने, ठीक है 500, और डी 44। अब इस पूरे रेफरेंस में जो आंसर आया केवल इसको अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ये पता चल रहा हो कि बी सी नहीं बना, ठीक है, पर जो रो नंबर है वो 45 हो चुका है, ठीक है। और दूसरे वाले आप रेफरेंस में ये नोटिस करिएगा कि 44 ही है, डॉलर का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो चुका है, बी था तो डी हो चुका है, पर यहाँ पर फर्स्ट वाले में बी ही है। रीज़न क्या है कि वहाँ पर डॉलर का साइन लगा था और आपने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जिसकी भी आगे डॉलर का साइन लगा हुआ होगा वो चेंज नहीं होगा। उसको और समझते हैं, इसी को हम फिर से कॉपी करके पास में ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं, इसमें भी गौर से देखिए, इस रेफरेंस में भी बी फिक्स है आपका, इसलिए चेंज नहीं हुआ, बाकी रो चेंज हो चुकी है, ठीक है। और सेकंड रेफरेंस में आप देखेंगे कि 44 जो आपकी रो नंबर है वो चेंज नहीं हुई है, पर कॉलम नेम बदल चुका है, ई हो चुका है। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट के दौरान इन सेल रेफरेंस का इफेक्ट होता है, और हमारे फार्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब